मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए बाल सेवा योजना के 5 लाभार्थी बच्चों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश व दुनिया पूरी तरह से त्रस्त रही है, जिसके कारण कई राज्यों व देशों में व्यापक क्षति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीवन व जीविका बचाने का जो संघर्ष हुआ है, उसके अपेक्षित व सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसके खिलाफ लड़ाई में सावधानी व जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमारी में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा तथा सावधानी व बचाव बहुत आवश्यक है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन करते रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही रक्षा कवच है। देश में 2 वैक्सीन पहले से है, अगले माह तक कुछ और वैक्सीन उपलब्ध होंगी तथा सरकार की तरफ से जारी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के अभियान से सबको जुड़ना होगा। इसके तहत हमारी निगरानी समितियां घर घर जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग टेस्ट से भागे नहीं और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण पैकेज, मुफ्त राशन व आत्मनिर्भर पैकेज से पूरे देश में जन कल्याण का उदाहरण पेश किया तथा उनके मार्गदर्शन से प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना त्रासदी में निराश्रित हुए बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का भी विस्तार से जानकारी दी और बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता या घर के कमाऊ अभिभावक को खोया है, उनके पालन पोषण व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी तथा उन बच्चों के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कई प्राविधान किए हैं तथा प्रभावित बच्चों की परवरिश के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लीगल गार्जियंस के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है तथा साथ ही इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाल संरक्षण गृहों, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालयों व अटल आवासीय विद्यालयों के जरिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसी क्रम में 18 वर्ष से अधिक के बच्चों की उच्च व तकनीकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें टैबलेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही निराश्रित हुए बालिका के शादी योग्य होने पर सरकार की तरफ से 1,01,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार की तरफ से प्रति माह 2,000 रुपया पहले से ही दिया जाता था तथा भारत सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड की व्यवस्था की है, जिसमें बच्चे के 23 वर्ष होने पर 10 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अभी तक ऐसे 174 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं जिन्होंने अपने अभिभावक को खोया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी निराश्रित बच्चों के प्रति सरकार की संवेदना है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब वहाँ सवान होगा तभी होगा। पूरा देश और पूरी दुनिया इस महामारी के कारण काफी त्रस्त रही है। अभी भी कई राज्यों में और दुनिया के तमाम देशों में इस महामारी के कारण व्यापक क्षति हुई है। पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ संघर्ष किया जा रहा है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण
तमाम जगहों से एक बराबर इस बात के सुझाव आ रहे थे कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर कोरोना से राहत देने का कार्य रहा हो, अपना योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य हो, या फिर पहले फेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद दूसरी लहर में भी हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सबके प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों, यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है, जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। उनमें से एक की मौत, दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी, दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाओ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनके निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। बालिकाओं के बारे में भी इसी प्रकार की एक योजना सरकार ने तैयार की है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग्य होंगी, उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपये उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उन उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। हर संभव सहयोग उन सभी परिवारों को करने के साथ ही बाल संरक्षण गृह में
पहले से ये व्यवस्था है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, चाहे वह शासकीय स्तर पर विद्यालय हो, संस्थान हो या किसी एनजीओ के द्वारा संचालित, हर बालक के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, और वह भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। पीएम केयर्स के अंतर्गत भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, 10 लाख का एक कोर्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने तैयार किया, और यह कोर्स जो बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा यह कोर्स उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। और भी तमाम प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उन सब के प्रति की गई है। 100 वर्षों की यह सबसे भीषण महामारी है, और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है, बचाओ, और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं, इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, और उन सब के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहूँगा कि बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है, हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सतर्कता सावधानी हमें सदैव बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, किस मंत्र का पालन करना होगा। निगरानी समिति और RRT गांव गांव घर घर जा रही है, ट्रेस टेस्ट और ट्रीटमेंट के इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ साथ टेस्ट से न भागें और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी के अनुसार हम अवश्य इसको लगाएं। यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे हथियार हो सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आज आगे जिन 6 बच्चों में से 5 बच्चे यहाँ आए थे अपने वर्तमान के लीगल गार्जियन के साथ, उन सबसे मैंने मिलकर के प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त की, उनके हालचाल लिया है। हमने बाल विकास और पुष्टाहार विभाग से इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वह उन सभी 174 बच्चों के साथ जरूर मिले, उनके जो वर्तमान में लीगल गार्जियन है संवाद बनाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन बच्चों को न होने पाए, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अनमन्य सहायता है ये उन्हें अवश्य प्राप्त हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भी हम लोग इस योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन सभी के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और विश्वास करते हैं कि हम सब मिलकर के कोरोना महामारी की इस लड़ाई को जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद।